हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स पोएम एंडेंजर्ड ट्रेजर्स लेकर के आए हैं इस वीडियो में आपके लिए. क्वेश्चन आंसर्स विच आर गिवन एट द बैक आफ्टर द पोएम. ओके, सो लेट्स बिगिन. व्हाट इज द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम अबाउट? पोएम के जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें पोएट ने क्या डिस्कस किया है, ध्यान से सुनेंगे. द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम टॉक्स अबाउट इंडियाज फॉरेस्ट. फॉरेस्ट कर लीजिए इनफैक्ट आप. Forests which are rich in diversity. They have many animals such as monkeys, rhinoceros, elephants, boars, tigers, lions, deer and bear. Yet even in these forests some of the endangered animals are hardly to be found. इतने सारे animals होने के बाद भी इन forests में काफ़ी सारे animals ऐसे हैं जो अब extinct हो गए हैं, जिन्हें अब ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है. Got it? Let's move on to the next question. What does the poet write about the Bengal Florican? Poet ने Bengal Florican bird के बारे में क्या लिखा है? तो answer है, the poet says that the Bengal Florican is a black and white bird that is speckled with brown, जिसमें brown की designing है या छींटे पड़ी हुई हैं, and is beautiful to the sight, और देखने में बहुत ही खूबसूरत है. It thrives and flourishes इन द ड्राई ग्रास लैंड्स विदाउट विच इट इज़ हार्ड फॉर द बर्ड टू सर्वाइव. ये खुश रह पाती है या ये सर्वाइव कर पाती है ड्राई ग्रास लैंड्स में, जिसके बगैर इसके लिए जीना मुश्किल होता है. थर्ड क्वेश्चन नाउ, वॉट डज द पोएट कंपेयर राइनोसरस टू? वाई डिड शी डू दैट? पोएट ने राइनोसरस को किससे कंपेयर किया है और क्यों किया है? द पोएट कंपेयर्स द राइनोसरस टू अ यूनिकॉर्न. जैसे राइनोसरस की एक सींग होता है नोजी पर, ऐसे यूनिकॉर्न के भी होता है एक सींग, विच वी हियर अबाउट इन द फेबल, जो हमने स्टोरीज में पढ़ा हुआ है. शी डज दिस, पोएट ने इसलिए किया है बिकॉज द राइनोसरस इज इंक्रीजिंगली हंटेड बाय ह्यूमंस फॉर सपोर्ट. उसने इसलिए इसको हाईलाइट किया है क्योंकि राइनोसरस को लोग बहुत ज़्यादा अपनी खुशी के लिए, इंटरेस्ट के लिए, सपोर्ट के लिए हंट करते हैं और उनका जो नंबर है वो बिल्कुल डिक्रीज होता जा रहा है दिन पे दिन, जैसे कि यूनिकॉर्न्स अब अपने आप में ही बहुत ही रेयर हो चुके हैं. गॉट इट? इन क्वेश्चन नंबर फोर द पोएट सेज, सॉरी द क्वेश्चन सेज, व्हाई डज द नंबर ऑफ हैंगुल स्टैग डिक्रीज? ये जो हैंगुल स्टैग हैं, बारहसिंगा हैं, इनका नंबर अब इनकी प्रजाति क्यों कम होती जा रही है? तो आंसर है, द नंबर ऑफ हैंगुल स्टैग have decreased greatly because the grass on which hangul grazed in the mountains and the valleys have been destroyed to build houses for humans. कि जिस वादियों में, जिस पहाड़ों पर ये हैंगुल स्टैग जो है वो घास चरा करते थे, वो सब तो अब ख़त्म होते जा रहे हैं क्योंकि वहाँ तो लोगों ने होटल्स बना लिए हैं, शॉप्स बना ली हैं, मेगा स्टोर्स बना लिए हैं, तो उनके लिए ग्रास लैंड्स ही नहीं बचे. अब बिना खाए पिए तो कोई सर्वाइव नहीं कर सकता. सो दैट्स वाई देयर नंबर इज़ कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग. क्वेश्चन नंबर फाइव है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द रेड लिटिल पांडा? पोएट ने रेड लिटिल पांडा को कैसे डिस्क्राइब किया है? द पोएट डिस्क्राइब्स द रेड लिटिल पांडा बाय सेइंग दैट इट लिव्स मेनली इन ट्रीज, कि ज़्यादातर ये पेड़ों पे पाए जाते हैं. इट फीड्स ऑन लीव्स, ये लीव्स खाते हैं, पत्तियाँ खाते हैं पेड़ों की, एंड स्विंग्स इन द ब्रीज, और ब्रीज यानी कि ठंडी हवा में ये झूलते हैं. इट हैज़ अ लॉन्ग फरी टेल, इनकी बहुत बुशी सी टेल होती है लंबी, जो कि इन्हें कोजी या कंफर्टेबल रखती है, गर्म रखती है, स्पेशली डार्क विंटर में कि स्टॉर्म जब आते, जब बहुत ठंड होती है, फ्रीजिंग वेदर होता है, तो इनकी पूंछ की वजह से ही ये अपने आप को गर्म रख पाते हैं. बट इनका नंबर भी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है. What is common to the animals mentioned in the poem? Sixth question में पूछते हैं कि ऐसी कॉमन सी कॉमन बात है जो एनिमल्स में सब में सेम है जो इस पोएम में मेंशन करी है. All the animals mentioned in the poem have declined in numbers and have become endangered due to human activities. जितने भी animals हमने पोएम में डिस्क्राइब करे हैं पोएट ने, वो सब जो हैं नंबर में कम होते जा रहे हैं और एंडेंजर यानी कि एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. दिस इज़ वॉट इज़ कॉमन टू ऑल ऑफ दैम. यही चीज़ है जो सब में कॉमन है. ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स. मैम बुक एक्सरसाइजेज भी मिल जाएंगी, पोएम का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ईजी और शानदार तरीके से आपको मिल जाएगा. तो आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी. थम्सअप करेंगे नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए मैम को.
कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाय बाय।